See how the numbers given in the picture have been written. अभी हम आप लोग सेकंड में हो तो यहाँ पे हम सिर्फ दो डिजिट्स के नंबर के ही बारे में देखेंगे. महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ सेकंड स्टैंडर्ड का एक लेसन नंबर गिवन इन अ पिक्चर. स्मार्ट स्कूल किड्स जोन योर फेवरेट स्कूल. ये स्मार्ट स्कूल किड्स जोन आपका प्यारा स्कूल. और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ सेकंड स्टैंडर्ड का एक लेसन नंबर गिवन इन अ पिक्चर. तो चलो करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को शुरुआत. उससे पहले अब हमारे वेबसाइट्स एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल इनकी लिंक्स दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो. और आप हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. नंबर्स गिवन इन अ पिक्चर. सी हियर. See how the numbers given in the picture have been written. तो जो numbers दिए हैं pictures में वो किस तरह से लिखते हैं वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे देखो एक तीन examples दिए हैं. तो यहाँ ये है tens. क्या है भाभी? Tens. और ये यहाँ पे है units. Yes. तो इसका मतलब जो भी numbers इस तरह से लिखा रहता है one और ये two. तो ये जो फर्स्ट प्लेस रहता है यहाँ पे इस साइड से जाएंगे तो फर्स्ट प्लेस जो रहता है उसे कहते हैं हम यूनिट प्लेस. क्या कहते हैं? यूनिट. और जो सेकंड प्लेस पे रहता है उसको कहते हैं हम टेंस. ओके. तो टेंस का मतलब क्या कि वो टेन डिजिट्स है. मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लॉक से काउंट करोगे यहाँ पे तो ये कितने हैं? टेन. तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? टेन. टेंस में रहेगी. मतलब जितना भी नंबर रहेगा मल्टीप्लाई बाय टेंस. ओके. और ये जो यूनिट्स रहते हैं वो तो वैसे ही काउंट करते जैसे वन और टू. तो यहाँ पे ये यूनिट्स का टू और टेंस का वन. कितने? ये पूरा बंच है एक. टेंस का एक पूरा बंच तो उसको हम काउंट करेंगे वन टेंस. ओके. तो इस तरह से ये यहाँ का वन और यूनिट प्लेस का टू तो ये बन जाएगा 12. Yes. Okay. Similarly, यहाँ पे भी दिया है tens and units. लेकिन यहाँ पे अभी tens कितने हैं? 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 bunches है, right? Tens के. तो ये 2 bunches है, इसलिए यहाँ पे दिया है 2. और units कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो ये यहाँ पे units है 8. Tens 2. तो यहाँ पे हमने लिखा tens 2. ओके. यहाँ पे टेंस टू है और यूनिट्स कितने हैं? 8. तो ये बन जाएगा 28. परफेक्ट. कितना बन जाएगा ये? 28. ओके. तो सिमिलरली इसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे भी टेंस है और ये यूनिट्स है. अभी हम आप लोग सेकंड में हो तो यहाँ पे हम सिर्फ दो डिजिट्स के नंबर के ही बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट नंबर ऑलवेज यूनिट्स, जैसे यहाँ पे 7 है. और सेकेंड नंबर मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं तो और यहाँ पे टेंस कौन सा नंबर है? 4. ओके. तो ये बन जाएगा 47. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंस कितने हैं? 1 tens, 2 tens, 3 tens और 4 tens. तो टेंस के जो बंच है वो कितने टाइम्स आए यहाँ पे? 4 times. तो 4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये कितने बन जाएगा? 14. ओके. और यहाँ पे जो 7 यूनिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 तो 7 यूनिट्स के 7 तो 47 यहाँ पे. ओके. तो चलो देखते हैं आगे. गिवन नंबर्स इन अ पिक्चर. लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ नंबर्स इन वर्ड एज वेल एज इन नंबर्स. तो अभी नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं उनको देख के उनके नंबर्स वर्ड्स में भी लिखने हैं और नंबर्स में भी लिखने हैं. तो चलो कौन से पिक्चर दिए है देखते हैं. ये देखो, यहाँ पे भी 3 एग्जांपल्स दिए हैं. ओके. और यहाँ पे क्या दिया है? ये बीड्स की माला है, स्ट्रिप्स है. तो इसमें कितने बीड्स रहेंगे? टेंस के प्लेस पे है. इसका मतलब कितने बीड्स है यहाँ पे? 10. अगर ये काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पूरे 10 बीड्स है. और ये 1 है तो इसका मतलब ये यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? 1. ओके. और यहाँ पे यूनिट्स काउंट करो 1, 2, 3 and 4 तो यूनिट्स कितने रहेंगे? 4. इसका मतलब 1 and 4 तो ये कितने बन जाएंगे भाभी? 14.
Yes, 14 की स्पेलिंग बता सकते हो? F-O-R-T-E-E-N. Yes, तो इसकी नंबर्स की स्पेलिंग क्या हो गई? 14, ओके? अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टेंस प्लस यूनिट। यहाँ पे 10 रुपीज़ की एक नोट है और दूसरे 10 रुपीज़ की एक नोट है, तो यहाँ पे कितने नोट्स हो गए फिर 10 रुपीज़ के? 2। कितने नोट्स? 2। और कॉइन कितने हैं 1 रुपी के? देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यस, तो 8, इसका मतलब यहाँ पे कितने कॉइन है? 8 यूनिट्स है, ओके? तो 2 टेंस एंड 8, तो ये कितने बन जाएंगे? 28। परफेक्ट। ये ऑलरेडी तुम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा है। 28 की स्पेलिंग देखो, और यहाँ पे 8, अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी टेंस एंड यूनिट्स, यहाँ पे टेंस के बंच बनाए। देखो यहाँ पे ये मैच बॉक्स है, तो मैच बॉक्स के टेन स्टिक्स का एक बंच बनाया है, तो यहाँ पे कितने बंच है ऐसे? 1, 2, 3, 4। यस, तो कितने टेंस है इसका मतलब यहाँ पे 4 टेन। और यूनिट्स कितने है देखो? 1, 3, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। तो यहाँ पे 4 टेंस एंड 7 यूनिट्स, तो ये कितने बन जाएंगे? 47। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और कौन से एग्जांपल दिए हैं। ये देखो, राइट द प्रॉपर नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसके अंदर प्रॉपर नंबर राइट करना है। तो ये देखो, यहाँ पे एक सॉल्व करके दिया, ये वाला आप लोगों को सॉल्व करके दिया है। जैसे कि यहाँ पे फिर से टेंस एंड यूनिट्स जैसे हमने पहले पिक्चर में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखो, कौन यहाँ पे दो माला है, दो स्ट्रिप्स हैं और 10 के बीट्स हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए टेंस? 2 टेंस, करेक्ट? यहाँ पे 2 टेंस। और यूनिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हो गए यूनिट्स? 6 यूनिट्स कितने हो गए? 6, तो बन गया 26। यस, तो यहाँ पे उन्होंने 26 की स्पेलिंग लिख के दी है। ये इसको बोलते हैं वर्ड्स में, ओके? और ये है नंबर्स में। सेम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो टेंस और यूनिट्स है, तो यहाँ पे कितने टेंस है? 1। यस, तो यहाँ पे 1 टेंस। और यूनिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 3। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स हो गए? 13। तो यहाँ पे 13 की स्पेलिंग दे दो, भाभी आती है 13 की स्पेलिंग? बोलो, T-H-I-R-T-E-N। यस, राइट भाभी, ओके। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैच स्टिक्स के 4 बंचेस है, 1, 2, 3, 4, करेक्ट? तो यहाँ पे हम देते हैं 4 टेंस। अभी यूनिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स, ठीक है? तो ये नंबर कौन सा बन गया? 4 टेंस एंड 5 यूनिट्स, तो कौन सा नंबर बन गया ये? 45, करेक्ट। तो स्पेलिंग बता, F-O-R-T-Y-40-F-I-V-E-5, 45, ओके? आई होप आप लोग एंजॉय भी कर रहे हो और ये समझ भी रहे हो, करेक्ट? तो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे थिंक करने के लिए बोला है, थोड़ा सा सोचने के लिए बोला है। यहाँ पे लिखा है, लुक एट द ऑब्जेक्ट, काउंट देम एंड राइट देयर नंबर इन द सर्कल बिलो। तो जो ऑब्जेक्ट्स नीचे दिए हैं उनको काउंट करना है और उनके काउंट करके जो नंबर आएगा वो सर्कल में लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे यूनिट्स दिए, टेंस दिए है और यूनिट्स भी दिए, तो कितने टेंस है यहाँ पे? 1, 2, 3, 3, तो यहाँ पे 3 नंबर्स लिख दिया। यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4, तो 4 यूनिट्स यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से 3 यहाँ पे आएगा, 3 टेंस, और यहाँ से 4 यहाँ पे आएगा, तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 34।
यस, अगर उन्होंने बोला रहता कि उसकी स्पेलिंग भी लिखो तो हम वो भी लिखते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 34, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये भी करो तो दोनों साइमल्टेनियसली याद रहेगा। अच्छा, तो चलो ये वाला हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टेंस काउंट करते हैं, टेंस एंड यूनिट्स। तो टेंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4 and 5। तो 5 टेंस, ओके। एंड यूनिट्स काउंट करते हैं, 1, 2 and 3। यस, तो यूनिट्स कितने हैं? 3। तो ये 5 यहाँ पे एंड दिस 3 विल कम हियर। तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा भाभी? 53। यस, 5 टेंस एंड 3 यूनिट्स, इट्स अ 53, करेक्ट। ओके, चलो हम ये वाला देखते हैं। यहाँ पे कितने टेंस है देखते हैं? 1, 2 and 3 and 4। यस, तो यहाँ पे 4 टेंस। चलो यूनिट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। यस, तो यहाँ पे यूनिट्स है 5। तो ये 4 टेंस एंड 5 यूनिट्स, तो नंबर बन जाएगा 45। यस, 45। तो उसकी स्पेलिंग भी लिखना है, ठीक है आप लोग। चलो हम और आगे कौन सा एग्जांपल दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, रीड द नंबर्स एंड शो द सेम नंबर्स ऑफ थिंग्स, ओके। मतलब जो नंबर दिया है उसको रीड करना है और उस नंबर के इतने ही हमें वो चीज़ें दिखानी है। सेम नंबर ऑफ थिंग्स मतलब उतने थिंग्स होने चाहिए, उतनी चीज़ें होने चाहिए। तो उसमें क्या क्या देने के लिए बोला है उन्होंने? स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स देन सिंगल्स, तो सिंगल बीड्स होने चाहिए और स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स होने चाहिए। दूसरा क्या करने के लिए बोला है? बंडल्स ऑफ स्टिक्स, मतलब स्टिक्स का बंडल होना चाहिए और सिंगल स्टिक्स होने चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। अरे यहाँ पे तो 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग्स देखते हैं, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई, फिर दूसरी स्ट्रिंग्स और ये तीसरी स्ट्रिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टेंस कितने बोले हैं? 3 टेंस, ओके। ये नंबर 3 है इसलिए यहाँ पे हमने 3 टेंस दिया। यूनिट्स कितने देने पड़ेंगे अभी? 9, ओके। तो यहाँ पे 3 टेंस और 9 यूनिट्स देंगे। तो चलो यूनिट्स लेके आते हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। तो ये 9 यूनिट्स आ गए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 39, ओके। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे टेंस है, तो अभी यहाँ पे हम ये ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है। टेंस के ब्लॉक्स लेते हैं, तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितने? 4 टेंस, 1, 2, 3, 4, 4 टेंस, ओके। तो 4 टेंस हमने ले लिए। अभी यहाँ पे यूनिट्स कितना लेना है? 1। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? ये है 4, ठीक है। यहाँ से 4 and 1, तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें? 41, यस, ओके। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उन्होंने बंडल ऑफ स्टिक्स बोला है, तो स्टिक्स के बंडल लेते हैं। यहाँ पे 1 टेंस and 2 टेंस, यहाँ पे 2 टेंस, यहाँ पे 2 नंबर है तो हमने 2 टेंस लिया है। और यूनिट्स कितने रहेंगे? 2 यूनिट्स, 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिलेगा हमें फिर से? 20, 22। तो ये कौन सा आएगा? 22, ओके। है ना कमाल का? तो बनाओगे आप लोग भी? चलो और क्या है, और एक एग्जांपल है देखते हैं। चलो, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, ओके। तो एक्चुअली इसके लिए अलग सेपरेट लेसन बनाया है प्लेस वैल्यू के लिए, लेकिन फिर भी हम थोड़े से इंट्रोडक्शन इस पार्ट में लेते हैं। तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे देखो, 37 उन्होंने वर्ड्स में लिखा है, तो 37, तो यहाँ पे 30 मतलब टेंस कितने आएंगे? 3, 1, 2, 3, और 7 मतलब यूनिट्स कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने यहाँ पे दिया है 3 टेंस एंड 7 यूनिट्स। तो ये जो 3 है उसको कहेंगे हम 10 प्लेस पे, क्योंकि वो टेंस पे है।
एंड ये जो 7 है वो कहाँ पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, तो ये टेंस प्लेस वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 30, कितनी रहेगी 30, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, तो इस प्लेस की वैल्यू रहेगी 30, ओके। और इस ये जो 7 है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है, और दोनों को सम करेंगे तो बन जाएगा 37, ओके। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, टू अंडरस्टैंड द टू डिजिट नंबर वी लुक एट हाउ मेनी बंडल्स ऑफ द 10 देयर आर इन द 10 प्लेस। मतलब जैसे कि ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे कितने टेंस के बंडल लिए उन्होंने, 3, ओके। एंड हाउ मेनी यूनिट्स और सिंगल्स आर देयर, तो इस एग्जांपल में सिंगल्स कितने हैं, 7, तो जो टेंस प्लेस पे रहेगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30, ओके। चलो और एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इन 37 देयर आर 3 बंडल्स, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे 3 बंडल्स है, क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे, इसीलिए उसको टेंस के बंडल है, ओके। देयर आर 3 बंडल्स इन द टेंस प्लेस एंड 7 सिंगल स्टिक्स इन द यूनिट प्लेस, तो स्टिक्स कितने हैं, 7 सिंगल यूनिट्स, ओके। नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो चेक करो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसो खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ।